गुड इवनिंग फ्रेंड, आज हम लोग बात करने वाले हैं मेन बैरिंग और बिगन बैरिंग सिलेक्शन के बारे में। किस प्रकार से हम लोग मेन बैरिंग सिलेक्शन करते हैं और किस प्रकार से बिगन बैरिंग। यूनिवर्सली अगर देखा जाए तो मेन बैरिंग और बिगन बैरिंग के लिए हम लोग कोई प्रॉपर एजेंडा यूज़ नहीं करते हैं। हम लोग इसके लिए एक बेसिक थ्योरी यूज़ करते हैं जो कि हमारे काम आती है सिलेक्शन में। तो स्टार्टिंग में सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि जो मेन बैरिंग का सिलेक्शन होता है वो कैसे करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो क्रैंक होती है, क्रैंक के ऊपर हमारे वेब होते हैं, ठीक है। इनको, ये जो पोर्शन होगा क्रैंक का, इसको हम लोग वेब कहेंगे। और ये वाला जो पोर्शन होता है, ये वाला जो पोर्शन होता है जो आप थोड़ा सा थिक देख रहे हैं, मोटा भाग देख रहे हैं, ये पोर्शन टिका होता है ब्लॉक के ऊपर। और जो पतला वाला भाग देख रहे हैं, ये वाला पोर्शन टिका होता है कनेक्टिंग रॉड से जुड़ा होता है। तो ये पतला वाला कनेक्टिंग रॉड से जुड़ा है, मोटा वाला ब्लॉक के ऊपर जुड़ा हुआ है। ब्लॉक के ऊपर जुड़ने से पहले इसके नीचे जो बैरिंग लगते हैं, यानी कि कट पीस में आपको मिलेंगे, ये कट साइज में होते हैं दो। एक अपर बैरिंग होता है, एक लोअर बैरिंग, दो बैरिंग होते हैं ये। तो दो पीस होंगे जो इस जगह पे और इस जगह पे लगेंगे ब्लॉक के साथ में। तो नीचे ये ब्लॉक के ऊपर टिकेगा और ऊपर से जो है इसके बैरिंग लगेगा, नीचे भी बैरिंग लगेगा, उसके ऊपर जो है एक मेन जनरल लगेगा, तो उसको हम कहते हैं मेन जनरल, ठीक है जी। ये वाला जो पोर्शन होता है कनेक्टिंग रॉड का, ये वाला पतला वाला जो हो गया, ये कनेक्टिंग रॉड का है। तो ये कहाँ लगेगा, ये कनेक्टिंग रॉड पे जुड़ेगा, कनेक्टिंग रॉड पे जुड़ता है और ये पिस्टन के साथ में कनेक्टिंग रॉड से जुड़ा होता है। तो कनेक्टिंग रॉड पे जुड़े होने की वजह से इसको हम कहते हैं बिगन बैरिंग। इसके अंदर भी दो बैरिंग होते हैं, लेकिन हम इसको अपर और लोअर बैरिंग नहीं कहते। कनेक्टिंग रॉड वाले बैरिंग को हम सिंगल बैरिंग में काउंट करते हैं। होते दो पीस हैं, लेकिन हम सिंगल बैरिंग में काउंट करेंगे। यानी हम जब इसकी कलर कोडिंग करते हैं, तो कलर कोडिंग करते समय इसको हम सिंगल कलर में लेते हैं कनेक्टिंग रॉड वाले को, लेकिन इसको हम डबल कलर में लेंगे, यानी अपर बैरिंग का कलर अलग होगा, लोअर बैरिंग का कलर अलग होगा। एक चीज और बताना चाहूंगा कि अगर आप क्रैंक को देखेंगे, तो क्रैंक को जब आप मूव करेंगे यहाँ पे आपके टाइमिंग साइड से, जब इसको मूव करेंगे बोल्ट के थ्रू, तो जब इसको घुमाएंगे तो ये क्रैंक का जो वेब होते हैं ये ऊपर की तरफ आएंगे। क्रैंक के जब वेब ऊपर की तरफ आते हैं तो इसमें आपको दो मार्क मिलेंगे, यानी दो नंबर्स मिलेंगे। ये नंबर्स काउंटिंग में हो सकते हैं 1 2 3 4 हो सकते हैं, या फिर ABCD ई हो सकते हैं, या ए हो सकता है, बी हो सकता है, डी हो सकता है। तो अगर वो ए है तो इसका मतलब ए एक हो गया, बी का मतलब दो, सी का मतलब तीन, और डी का मतलब चार। नंबर है तो नंबर तो आपको पता ही चल ही गया, 4 3 2 1 जो भी है नंबर मिलेंगे आपको। इसमें एक चीज़ और समझने वाली है कि मेन बैरिंग अगर है, मेन बैरिंग सिलेक्शन कर रहे हैं तो सबसे पहले मेन बैरिंग ही करेंगे। अगर मेन बैरिंग सिलेक्शन कर रहे हैं तो इसमें हमें ये देखना है कि अगर मेरे पास पिस्टन चार हैं इंजन में, तो मेन बैरिंग हमें जो फिट करने हैं वो पांच होंगे। यानी कि जो इसके ऊपर जो पार्ट आता है, जो ब्लॉक पे लगेगा, ब्लॉक के ऊपर जो पार्ट आता है उसको मेन जनरल कहते हैं। तो मेन जनरल जो होंगे वो आपके पांच होंगे। पिस्टन अगर चार है तो मेन जनरल पांच होंगे। लेकिन अगर हम बिगन बैरिंग सिलेक्शन कर रहे हैं तो पिस्टन अगर चार है तो बिगन बैरिंग भी चार ही होंगे, ठीक है जी, ये ध्यान रखिएगा। तो इसमें दोनों में अंतर करने का यही एक आसान तरीका है कि पिस्टन चार है और मेन जनरल पांच है। पिस्टन चार है तो बिगन बैरिंग भी चार ही आएंगे। लेकिन यहाँ पे जो नंबर लिखे होते हैं ये बैरिंग का साइज नहीं लिखा होता। कई बार लोग इसको समझ बैठते हैं कि ये बैरिंग का साइज लिखा है, तो ये बैरिंग का साइज नहीं लिखा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे इन्होंने ये नंबर दे रखे हैं। चार नंबर का मतलब है कि इस जगह का, यानी पहले नंबर का ये पहला हो गया। पहले नंबर का जो यहाँ पे हमारा क्रैंक का जो मोटाई है, वो क्रैंक की मोटाई लिखी है, चार नंबर मोटाई है। तो इसका साइज बड़ा होता है, इसका साइज हो सकता है 15.1234 कुछ भी हो सकता है mm में। तो अगर ये 15.1234 है तो हम इतना बड़ा साइज यहाँ पे नहीं लिख सकते, इसलिए हमने इसको नंबरों में बांट लिया। तो इसका बाकी जो चीज़ हमें देखनी हो तो कहाँ देख सकते हैं, इसकी बाकी की चीज़ हम किताब में देख सकते हैं, यानी जो हमारी सर्विस मैनुअल होगी, सर्विस मैनुअल में हमें आसानी से मिल सकता है कि क्रैंक की मोटाई है। तो यानी कि यहाँ पे जो हमें जो दिख रहा है 1 2 3 4 5 पिस्टन चार है तो हमारा जो बैरिंग मेन जनरल होंगे वो पांच होंगे। तो यानी ये मेन जनरल के बारे में बात कर रहा है। यहाँ पे चार है, 1 2 3 4, इसका मतलब हमारे पिस्टन चार है तो ये चार है, इसका मतलब ये बिगन के साइज का बात कर रहा है जहां पे क्रैंक शाफ्ट आएगी। लेकिन इसमें एक चीज और समझने वाली है कि अगर ये क्रैंक वेब के ऊपर ये नंबर आ रखे हैं तो ये क्रैंक का ही साइज बता रहे हैं, किसी और चीज का साइज नहीं बता रहे। सबसे पहले आप ये समझ लो कि ये क्रैंक का साइज बता रहे हैं। क्रैंक के ऊपर पंच हो रखे हैं तो क्रैंक का साइज है। तो क्रैंक का कहाँ का साइज बता रहे हैं, अगर पांच है तो यानी मेन जनरल जहां पे आएगा वहां पे उस जगह का साइज बता रहे हैं, क्रैंक की मोटाई। इस मोटाई को हम लोग चार नंबर लेंगे, पहले वाले की, दूसरे वाले की जो मोटाई है वो तीन नंबर है, ऐसे ही
तीसरे वाले की मोटाई एक नंबर, आगे बढ़ेगा तो वो पांच नंबर और ऐसे एक नंबर, ठीक है जी। तो इसका हमें एक नंबर तो मिल गया, क्रैंक की मोटाई मिल गई। अब हमें किस चीज की मोटाई चाहिए? अब हमें मोटाई चाहिए ब्लॉक की। दूसरा साइज ब्लॉक का आएगा, जो मेन जनरल भी आएगा उसके ऊपर, और ब्लॉक का साइज नीचे भी आएगा, क्योंकि ब्लॉक हमारा कुछ इस प्रकार से होगा, जहां पे ये लगेगा वो कुछ इस प्रकार से होगा, ऐसे होगा। तो ये क्या होगा, ये ब्लॉक का साइज होगा नीचे से, जिसपे ये टिकेगा। ऊपर से मेन जनरल कुछ इस प्रकार से होता है, यहाँ पे आएगा। तो यहाँ ऊपर की मोटाई और नीचे की मोटाई को मिला के ये उसका साइज दिया होगा चार नंबर, यानी इस क्रैंक की इन जो आउटर डाया होगा क्रैंक का, जहां पे मेन जनरल आएगा, ये वो बता रखा है पहले का, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए? अब हमें इनर डाया चाहिए, ठीक है जी। अब हमें इनर डाया चाहिए किस चीज का? ब्लॉक का। क्रैंक शाफ्ट का आउटर डाया मिल गया, ब्लॉक का हमें आउटर डाया चाहिए। तो ब्लॉक का आउटर डाया हमें कहाँ मिलेगा? वो मिलेगा ब्लॉक के ऊपर। तो ब्लॉक के ऊपर नंबर कुछ इस प्रकार से खुदे होंगे, एक दो तीन चार जो भी है, पांच नंबर लगे हुए। तो पांच से आप इंडिकेट कर सकते हैं डायरेक्टली इसको, यानी ये भी पांच है, ये भी पांच है, इसका मतलब ये ब्लॉक का साइज है और दूसरा साइज है पहला साइज। तो यहाँ पे जो है ये आउटर डाया है क्रैंकशाफ्ट का, और इनर डाया का साइज जो है ब्लॉक पे हमें मिल जाएगा। आउटर डाया और इनर डाया दो साइज मिल गए हमें। तो इन दोनों की मदद से इसका नंबर यहाँ लिखा हुआ है क्रैंक वेब के ऊपर, और इसका नंबर ब्लॉक पे लिखा हुआ है आउटर डाया, इनर डाया का नंबर हमारा ब्लॉक पे लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम क्रैंक का साइज लेंगे। क्रैंक का साइज इस चार्ट में ले लेते हैं हम लोग। क्रैंक का साइज जो है यहाँ पे लिखा हुआ ऊपर, यहाँ पे चार्ट में ऐसे लिखा होगा क्रैंक, यहाँ पे लिखा होगा ब्लॉक, ब्लॉक साइज और क्रैंक साइज। तो हम लोग जो है क्रैंक का साइज लेंगे, तो हम क्रैंक का साइज चार नंबर लेंगे, तो चार के सामने इसको मैच करेंगे, और ब्लॉक का साइज उठाएंगे पहले नंबर का एक नंबर। तो एक का मतलब, एक का मतलब एक हो गया। तो चार के सामने आप एक को देखिए, तो यहाँ पे दो कलर आ रहे हैं आपके पास, ब्लैक और ब्राउन। तो यानी कि ब्लैक और ब्राउन दो कलर क्यों है? क्योंकि अपर बैरिंग जो होगा उसका उसका जो कलर होगा वो ब्लैक होगा, और जो लोअर बैरिंग होगा उसका जो कलर होगा वो ब्राउन होगा। दो पीस में होंगे ये बैरिंग, तो दोनों के कलर अलग अलग होंगे। तो ये कहाँ पे होंगे कलर? ये इस जगह पे कलर जो हमारा बैरिंग होगा, ये बैरिंग ऐसे होगा हमारा, तो इस जगह पे कलर पंच होगा, तो हमारे लिए सिलेक्शन आसान हो जाएगा। कलर कोडिंग हो गई, कलर कोडिंग मिल गई, तो हमें इस कलर से उसका उस जगह का साइज मिल जाएगा, यानी कि उस बैरिंग का साइज मिल गया। तो ब्लैक कलर का साइज कुछ होगा, वो किताब में हम देख सकते हैं। तो हमें ब्लैक कलर मिल गया और ब्राउन कलर मिल गया। तो पहले वाले का जो हमारा बैरिंग का साइज होगा वो ब्लैक कलर होगा और ब्राउन कलर होगा, अपर ब्लैक लोअर ब्राउन। इसी प्रकार से अगर मुझे दूसरे का देखना है, तो तीन नंबर होगा हमारा क्रैंक का साइज और दो नंबर होगा हमारा ब्लॉक का साइज, लेकिन दूसरे नंबर पे, ठीक है, दूसरे नंबर पे जहां पे मेन जनरल आएगा उस जगह का। तो हम लेंगे तीन नंबर यहाँ पे और दो नंबर लेंगे हम लोग बी पे। तो तीन के सामने बी को देखोगे तो रेड और ब्लैक, यानी अपर बैरिंग जो है वो रेड कलर का है और जो लोअर बैरिंग है वो ब्लैक कलर का है। क्लियर हो गया? तो मेन बैरिंग सिलेक्शन हमें इसी प्रकार से करना है। मैंने एक आपको थ्योरी बना के दिखाई थी, एक पूरा चार्ट बना के इसलिए दिखाया था ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, क्योंकि इसे समझना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। तो अभी हम लोग जो है बिगिन बैरिंग की तरफ जाएंगे। मेन बैरिंग सिलेक्शन बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे होना मैंने आपको बताया है। बिगिन बैरिंग सिलेक्शन के लिए आपको क्या करना है? बिगिन बैरिंग में उसके सामने ही आपको चार नंबर मिलेंगे। अब ये नंबर हो सकते हैं 1, 2, 3, 4 या फिर ABCD कुछ भी हो सकता है। तो ABCD का मैंने आपको बता दिया, A का मतलब एक और B का मतलब दो, C का मतलब तीन, ठीक है जी। नंबर भी होंगे तो भी चलेगा, कोडिंग होगी तो कोडिंग भी चलेगी। तो हमें ये साइज कहाँ का बता रहा है? A कहाँ का साइज बता रहा है? A पहले वाले का बता रहा है जहां पे कनेक्टिंग रॉड लगेगी, लेकिन किस चीज का साइज बता रहा है? A साइज बता रहा है क्रैंक शाफ्ट का साइज बता रहा है जहां पे कनेक्टिंग रॉड लगेगी। तो क्रैंक का साइज है A नंबर। क्लियर हो गया? अच्छा, उसके अलावा हमें दूसरा नंबर कहां मिलेगा? तो दूसरा नंबर हमें कनेक्टिंग रॉड का बिगिन बैरिंग चेक करना है, बिगिन बैरिंग का साइज चाहिए। तो कनेक्टिंग रॉड के ऊपर हमें नंबर मिलेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने क्रैंक को जोड़ रखा है, ये क्रैंक है ऊपर पिस्टन मान लेते हैं। तो इस जगह पे कुछ इस प्रकार से होता है, यहाँ पे बोल्ट होते हैं क्रैंक शाफ्ट के। तो इसी जगह पे जो है नंबर आपको पंच मिलेगा इस जगह पे। तो हो सकता है यहाँ पे दो लिखा हो, यहाँ पे हो सकता है इस जगह पे आपको तीन लिखा हो, ठीक है। तो अगर मान लो इसको दो लिखा है, इसको तीन लिखा है जहां पे कनेक्टिंग रॉड लगेगी, तो उन नंबर को उठा लीजिए। तो पहले वाले का जो साइज है क्रैंक शाफ्ट का इस जगह का, वो कितना हो गया हम इसमें देखते हैं। पहले वाले का है A, तो A को हम यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। और हमारा उसमें जो कनेक्टिंग रॉड का साइज है, यानी कि कनेक्टिंग रॉड का इनर डाया जो है, ये तो हो गया क्रैंक शाफ्ट का। आउटर डाया जो है हमें A मिल गया, और कनेक्टिंग रॉड का जो इनर डाया है वो दो नंबर है। तो A के सामने दो को देखिए तो आपको पिंक मिलेगा।
तो यानी इसमें जो दोनों बैरिंग लगेंगे वो पिंक कलर के लगेंगे, इसमें अपर लोअर नहीं होता, इसमें सिंगल कलर चलता है, पिंक रेड ब्राउन ब्लैक कुछ भी हो जो मिल जाए हमें। अगर हमें दूसरा चेक करना है तो दूसरा चेक करने के लिए हम लोग सी देखेंगे, दूसरे नंबर पे सी, तो सी यहाँ पे है और इसके सामने हो गया तीन नंबर। इसका जो हमारा कनेक्टिंग रॉड का इनर डाया है उसका साइज है तीन नंबर, तो सी के सामने तीन को देखिए तो आपको ये कलर मिल गया ब्राउन कलर। कहने का मतलब है इसका जो बैरिंग होगा वो ब्राउन कलर का होगा, अपर और लोअर दोनों ब्राउन कलर के होंगे, आप मैच करके इसमें डाल सकते हैं। तो मेन बैरिंग सिलेक्शन और बिगिन बैरिंग सिलेक्शन कुछ इसी प्रकार से होता है, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं होता। इसमें हमेशा एक बात का ध्यान रखिएगा कि क्रैंक के ऊपर अगर कोई चीज पंच है तो वो क्रैंक का साइज बता रही है, ब्लॉक के ऊपर अगर पंच है तो वो ब्लॉक का साइज बता रही है, और अगर वो कनेक्टिंग रॉड पे कोई नंबर पंच है तो वो कनेक्टिंग रॉड का साइज बता रही है। तो जो क्रैंक सॉफ्ट के ऊपर पंच है वो क्रैंक का आउटर डाया बता रहा है, ठीक है, और अगर वो ब्लॉक के ऊपर पंच है तो ब्लॉक का जो है इनर डाया बता रहा है, अगर कनेक्टिंग रॉड पे पंच है तो कनेक्टिंग रॉड का इनर डाया बता रहा है। इससे पहले मैंने आपको ये भी बता दिया था कि इसको जानने के लिए कि ये नंबर चार है ये पांच है ये कैसे पता चलेगा कि किस चीज का है, उसके लिए मैंने बता दिया था आपको कि अगर पांच नंबर है तो हमारे अगर पिस्टन चार है तो मेन जनरल जहां पे मेन बैरिंग सिलेक्शन होगा वो हमारे पांच ही होंगे। अगर पिस्टन चार है तो बिगिन बैरिंग सिलेक्शन जो होगा वो चार ही होंगे, पांच नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि पिस्टन हमारे चार है तो हमारे कनेक्टिंग रॉड भी चार ही होंगे, लेकिन मेन जनरल एक फालतू होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। और जब भी आपको मेन जनरल लगाना है या कनेक्टिंग रॉड का जो हमारा जनरल होता है वो लगाना है तो उसमें एरो का निशान हमेशा टाइमिंग की तरफ रखिएगा, जहां पे टाइमिंग चेन होती है उसका एरो का निशान टाइमिंग चेन की तरफ होगा। आजकल जो नई गाड़ियां आ रही है उनके अंदर बैरिंग सिलेक्शन करना बहुत आसान है, उसके अलावा मेन बैरिंग बिगिन बैरिंग लगाने के बाद जनरल जब लगाते हैं तो जनरल को लगाना आसान है क्योंकि वो गलत नहीं फिट हो सकते, एरो के निशान साफ इंडिकेट करते हैं टाइमिंग की तरफ, तो आपको इस प्रकार से इसमें लगाने हैं। इसमें कुछ कंपोनेंट्स हैं उसके बारे में बता देता हूँ। इसको हम लोग क्रैंक वेब कहते हैं, ठीक है, यहाँ पे मेन जनरल आए, यहाँ पे मेन जनरल आएगा जहाँ पे क्रैंक ब्लॉक के ऊपर टिकेगी, यहाँ पे कनेक्टिंग रॉड लगेगी, इसको हम बिगिन बैरिंग जनरल कहते हैं, बिगिन बैरिंग जनरल कहते हैं। उसके अलावा ये जो होता है ये काउंटर वेट होता है जो बैलेंस करने के लिए दिया जाता है। उसके अलावा यहाँ पे एक रिंग आती है जो कि सीकेपी सेंसर के पे जाके जुड़ती है, सीकेपी सेंसर की रीडिंग हमें उसी रिंग से मिलती है। उसमें क्या होते हैं, दांते होते हैं और एक एक टीथ मिसिंग होता है, तो जब सीकेपी सेंसर की रीडिंग काउंट करनी होती है तो ये जब घूमेगा आरपीएम रोटेशन पर मिनट घूमेगा तो उसमें उस मिसिंग टीथ को फाइंड आउट करने के बाद एक चक्कर मान लेता है। तो हमारा जो आरपीएम होते हैं रेवोल्यूशन पर मिनट वो एक सेकंड में 13 बार होते हैं और एक मिनट में लगभग 800 से 850 के आसपास होते हैं, इतना नॉर्मली लेके चले। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा मेन बैरिंग सिलेक्शन एंड बिगिन बैरिंग सिलेक्शन, ये हमारा जो है पूरी थ्योरी थी जिसको आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको किताब रेफर करनी पड़ेगी, किताब को देखेंगे तो सबसे बढ़िया रहेगा। अगर किताब के अलावा देखना चाहते हैं तो उसके लिए जो चार्ट होगा मैं आपको चार्ट आगे एक वीडियो में अपलोड कर दूंगा। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, मेरा वीडियो देखते रहें, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें।